Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर असेंडेंट के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी आपका मून साइन का जॉडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा ताकि आपको फाइनल डिटेल्स भी मिल सके। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं और वहां पर मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस भी पोस्ट करती हूँ जो रोज रात 8 बजे आती है। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो आप देखते हैं फरवरी का महीना एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज, व्हाट आर द एनर्जीज, जनरल एनर्जीज क्या है फॉर एरीज पीपल, लेट्स सी दैट। एरीज पीपल जनरल एनर्जी आप लोगों के लिए क्या है, लेट्स सी। फरवरी का महीना जनरली आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर हर्मिट का कार्ड है, यहां पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, सबसे पहले द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहां पर टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहां पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द हैंगमैन का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। तो सबसे पहले तो एरीज पीपल एक बात तो बिल्कुल श्योर है यहां पर कि आपका एक साइकिल चेंज हो रहा है, वक्त का बदलाव यहां पर कंप्लीटली नजर आ रहा है, वक्त आपके लिए बदल रहा है। लेकिन इतना फेवरेबल ये वक्त आपके लिए बदल नहीं रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन होने वाले हैं। किसी पर्टिकुलर स्फीयर में आप इमोशनली ड्रेन हो सकते हैं, उस तरह की एनर्जी यहां पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। ओके, और आपके अराउंड एक चीटिंग एनर्जी बनती हुई नजर आ रही है। कोई पर्सन आपको चीट कर सकता है, जिस पर्सन से आप अनअवेयर हैं वो पर्सन आपको धोखा दे सकता है। चीटिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है और ये किस फेयर में आपको चीटिंग मिलने वाली है वो भी हम आगे जब डिटेल एनर्जी डिस्कशन करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, कुछ पेनफुल सिचुएशन है या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो एंड होने वाला है। लेकिन आप एक बात को समझे, जो अगर कोई सिचुएशन खत्म होती है तो नई सिचुएशन भी स्टार्ट होती है। एक साइकिल खत्म हो रहा है तो एक नया साइकिल भी स्टार्ट हो रहा है, बट यहां पर कुछ खत्म होने के संदेश या इंडिकेशन जो है वो बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं। यहां पर टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किसी एक फील्ड में आपको बहुत ज्यादा अबंडेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी मिलती हुई नजर आ रही है। आप किसी एक फील्ड में बहुत अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे। ये कौन सी फील्ड होने वाली है इसकी अभी हम डिस्कशन करेंगे जब अलग अलग फील्ड की एनर्जी को निकालेंगे। यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्स का कार्ड है, इस महीने आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहेंगे, आप लोगों के साथ एक वॉल क्रिएट कर लेंगे, आप किसी से अपनी बातों को शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाले हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। आप
बेसिकली एक डिफेंसिव मोड में हैं। आपके साथ जो ये धोखा होने वाला है उसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव मोड में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर आपकी जिंदगी किसी एक पर्टिकुलर स्फीयर में हैंग होती हुई नजर आ रही है, और ये जो चीज होने वाली है ये बहुत अचानक से होगी। आपकी जिंदगी, आपकी सिचुएशन एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगी। आप अचानक से बैलेंस से इम्बैलेंस की सिचुएशन में आते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। इम्बैलेंस की सिचुएशन अचानक से बन जाएगी आपकी जिंदगी के अंदर, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस तरह से चीजें चेंज होंगी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का कुछ बदलाव आने वाला है, और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कारण है सिचुएशन चाहे स्टेग्नेंट हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर आप यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा एक्शन में, बहुत ही ज्यादा पैशनेट नजर आ रहे हैं। और ये कौन सा स्फीयर होने वाला है ये अभी आपको पता लगेगा जब हम डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स की एनर्जी को चेक करेंगे। इस महीने में आप कुछ वक्त अकेले में गुजारेंगे, सॉलिट्यूड की एनर्जी नजर आ रही है, और उस अकेलेपन में आप मैच्योर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर एक एनलाइटनमेंट की एनर्जी नजर आ रही है। आप सिचुएशन से मैच्योर होकर उभरने वाले हैं। ओके, तो इस तरह की जनरल एनर्जीज हैं। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आप एरीज पीपल, देखते हैं आपकी लव लाइफ में फरवरी का महीना क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में वैलेंटाइन वीक है, तो देखते हैं आपके लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो एरीज पीपल, लेट्स सी आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। एरीज पीपल, लेट्स सी। ओके, यहां पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। यहां पर एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है यहां पर, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जो सफरिंग है बेसिकली वो इस फील्ड में है, बट इसको मैं दो जोन्स में चेंज करना चाहूंगी। देखिए, ये एनर्जी पहले मैं उन लोगों के लिए डिस्कस करूंगी जो अभी के टाइम पर अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन जोन में है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द कम्युनिकेट करने वाले हैं, और आप अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त करने वाले हैं, और एक इमोशनल स्टेबिलिटी, एक इमोशनल फुलफिलमेंट जैसी एनर्जीज को आप गो थ्रू करने वाले हैं। आपके पार्टनर आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, और आप भी पुरानी बातों को भुलाकर अपने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जो अभी सेपरेशन में है और आपको उम्मीद नहीं है कि कुछ भी होगा, लेकिन ये वक्त आपके लिए काफी पॉजिटिव है। और जब आपके पार्टनर आपके साथ बात करेंगे तो बेसिकली अपने पार्टनर को आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, और दूसरा उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे। वो जो भी बातें आपसे कहना चाहें उन बातों को एनालाइज करने से बेटर ये है उनके इमोशंस को डीपली समझिएगा। ओके, तो यहां पर आपके लिए तो ये हैप्पी वैलेंटाइंस डे है, बट जो लोग अभी के टाइम पर सेपरेशन में नहीं है, नॉन सेपरेशन जोन में है, आपके लव लाइफ के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते जाएंगे कि आपके पार्टनर का बिहेवियर धीरे धीरे बदल रहा है। आप अपने पार्टनर के पीछे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे भागने की कोशिश करेंगे, और आपके पार्टनर बदलते जाएंगे। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। आप अपने हाथ से इस रिलेशनशिप को जाने नहीं देना चाहते। आप इस चीज के लिए मेहनत करेंगे, बट आप यहां पर इमोशनल ड्रेन
होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर बदलाव होने वाले हैं और यहाँ पर एक नया कार्मिक साइकिल आपके लिए एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने पार्टनर के सामने अपने जज्बातों को भी अगर रखेंगे तो आपके पार्टनर उन जज्बातों को समझने नहीं वाले हैं। जो लोग अभी नॉन सेपरेशन जोन में है, आपके लिए ये फरवरी का महीना बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। जैसे जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज होती है तो एक प्रोफेशनल गाइडेंस जरूर लीजिएगा, अदरवाइज ये रिश्ता अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और आपके हाथ से ये रिश्ता रेत की तरह फिसल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग सिंगल हैं, आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई नया पर्सन आ सकता है, मींस आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जिस पर्सन के साथ आप अब कमिटमेंट की एनर्जी के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, वो पर्सन आपको स्टेबिलिटी देने वाला है, वो आपको इमोशनल कंटेंटमेंट देने वाला है। तो सिंगल्स तैयार हो जाइए, वैलेंटाइन वीक है तो आपकी जिंदगी के अंदर भी कोई पर्सन दस्तक देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और इस चीज की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अब ये डिपेंड करता है कि आप एक रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं कि नहीं, और जो लोग मैरिज की एनर्जी में डायरेक्टली एंटर करना चाहते हैं, आपको भी एक ऐसा प्रपोजल मिलने वाला है, अरेंज मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, कि अचानक से ही एक रिश्ता आएगा और आपकी शादी ही डायरेक्टली फिक्स होगी और बहुत कम टाइम के अंदर ये मैरिज फिक्स होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आज के टाइम पर नॉन सेपरेटेड जोन में है। आपको अपने रिलेशनशिप को संभालने की जरूरत है, आपको अपने इस रिलेशनशिप पर मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो आप पूरी तरह से शैटर्ड हो जाएंगे। सो आई होप आपको आपके लव लाइफ की एनर्जीज क्लियरली समझ आ गई होंगी। सो अब देखते हैं ये महीना आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपके फाइनेंसेस, आपके बिजनेस, आपका करियर किस तरह का रहने वाला है एरीज पीपल फरवरी 2022, आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द हैंगमैन का कार्ड है, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी निकल कर आई है, साथ ही सॉल्यूशन भी निकल कर आया है। एरीज पीपल, आपके करियर के अंदर सिचुएशन यहाँ पर हैंग नजर आ रही है, सिचुएशन ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है, आप एक्चुअली अटक जाएंगे, ठीक है। और वो चीज आपको मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है, करियर में कुछ अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, आप दो सिचुएशन के बीच में एक फैसला नहीं ले पाएंगे, फिकल माइंडेड यहाँ पर आप मुझे नजर आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा खुद को बर्डन महसूस आप करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे हुए यहाँ पर आप मुझे नजर आ रहे हैं। आप बहुत ही ज्यादा परेशान इस बात के लिए होंगे कि करियर सेट नहीं हो रहा है, जबकि अंदर से आपकी चाहत होगी कि आप स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़े, ब्राइटनेस की तरफ को बढ़े। और यहाँ पर आप मुझे सोशली भी डिटैच होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि करियर में एडवांसमेंट नहीं है और सोशल प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा रहने वाला है। तो साथ में गाइडेंस आपके लिए यही निकल कर आई है कि आपको अपने करियर के लिए गाइडेंस सीक करने की जरूरत है, आपको किसी पर्सन से इस फील्ड के लिए गाइडेंस लेने की जरूरत है। अगर आप गाइडेंस लेंगे तो सॉल्यूशन आपको इसी महीने में मिल जाएगा, ठीक है। आपको इन ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है कि ये ब्लॉकेजेस क्यों क्रिएट हुई हैं, ठीक है। जब आप वो समझेंगे आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप अपने ड्रीम जॉब, ड्रीम बिजनेस की तरफ को बढ़ पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप फिकल माइंडेड एनर्जीज के अंदर फंसे रहेंगे और यहां पर फ्यूचर में कुछ अच्छा होता हुआ, मतलब आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके करियर के रिगार्ड में कुछ अच्छा होता हुआ फरवरी के महीने में नजर नहीं आ रहा है,
ठीक है, जो कार्ड्स में निकल कर आया है वही बता रही हूं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप कंफ्यूजन की एनर्जीज की वजह से शायद जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है आप उसे भी खो देंगे। इस तरह की एनर्जी बिजनेस और करियर के लिए निकल कर आई है, सो गाइडेंस इसमें सीख करने की जरूरत है। जहां पर भी करियर में आप स्टक फील करते हैं अपने लिए एक रीडिंग लीजिए ताकि आप समझ पाए कि कहां प्रॉब्लम आ रही है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। तो आप देखते हैं एरीज पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आपकी हेल्थ इस महीने में किस तरह की रहने वाली है एरीज पीपल, लेट्स सी दैट। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मैंने कहा था ना आपके अराउंड एक चीटिंग एनर्जी है, वो चीटिंग एनर्जी आपके डिसीजन में इंटरफेयर करने वाली है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और उस कारण आपकी एनर्जीज हेल्थ की टर्म्स में डिटेरियरेट होंगी। अदरवाइज अगर आप अपने आसपास बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहें तो ये चीटिंग एनर्जीज आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। हेल्थ डिटेरियरेट सिर्फ एक चीटिंग एनर्जी की वजह से होगी, अदरवाइज हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है और आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो बेसिक चीज समझने की जरूरत है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है चाहे आपका करियर है, जहां पर भी डिप है अगर आप उस डिप को समझने की कोशिश करते हैं और इस चीटिंग एनर्जी को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं तो आपकी हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का है, क्या फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पर, क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर द मैजिशियन का कार्ड है, बेसिक प्रॉब्लम आपकी फाइनेंसेस से ही रिलेटेड ज्यादा नजर आ रही है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है विद फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई थर्ड पार्टी बहुत मनाने की कोशिश करेगी लेकिन आपको फ्यूचर के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, नहीं तो लॉस होगा। ना आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, ना कोई फ्लैट खरीदना है, ना कोई वैसे लैंड खरीदना है, ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। इस महीने में अपनी सेविंग कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो रातों की नींद उड़ जाएगी आपकी, नहीं तो चैन से सो भी नहीं पाएंगे, रोते रहेंगे, पछतावे की एनर्जीज में रहेंगे, रिग्रेट करते रहेंगे। तो इन एनर्जीज से आपको बचने की जरूरत है। किसी के कहने में इतना नहीं आपको आ जाना है कि जो भी आपके पास है आप उसे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर दे, किसी लालच में आकर आप इन्वेस्ट कर दे, नुकसान आपका बहुत ज्यादा होगा, छोटा नुकसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। इसलिए फ्यूचर के लिए कुछ भी इन्वेस्ट इस महीने में आपको नहीं करना है। ओके, सो आप देखते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं एरीज पीपल, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी किस तरह की है, लेट्स सी दैट। जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी किस तरह की है। यहाँ पर टू ऑफ वॉन्स का कार्ड है, एट ऑफ वॉन्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइन ऑफ वॉन्स का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आएगा और जहां पर भी आप फंसते हैं, मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, वहां पर गाइडेंस लीजिएगा। और ये गाइडेंस घर के किसी पर्सन की नहीं होनी चाहिए, किसी टीचर की गाइडेंस ले सकते हैं, ये कोई ऐसा पर्सन जिसने ऑलरेडी इस तरह के कोई कॉम्पिटिटिव दे रखे हों, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, आप बाहर से किसी को ये शो नहीं होने देंगे कि आप अंदर से ही अंदर कितने ज्यादा इमोशनली
एक टर्मोइल के अंदर फंस गए हैं कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। देखिए, अपनी बातों को किसी दूसरे से शेयर मत कीजिएगा कि आप पढ़ाई किस फील्ड में कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलिएगा। जितना ज्यादा आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अकेले में वक्त स्पेंड करके अपनी इंट्यूशन को सुनकर आप तैयारी करेंगे, उतने ज्यादा आप सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन क्रैक होते हुए नजर आ रहे हैं। इट जस्ट डिपेंड अपॉन योर एफर्ट्स, आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा हार्डवर्क होगा उतने ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ये सबके लिए है, जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो प्रमोशनल एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, जॉब के रिगार्ड में कोई प्रमोशनल एग्जाम दे रहे हैं, आप भी जितनी मेहनत करके एग्जाम देंगे उतने ही ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। तो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। सो नाउ लेट्स सी आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए एरीज पीपल। लेट्स सी दैट आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए एरीज पीपल। लेट्स सी आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इस महीने के लिए एरीज पीपल। तो पहला कार्ड यहां पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। होप का कार्ड है यहां पर। लाइफ फोर्स का कार्ड है यहां पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है यहां पर। ओके, सो एरीज पीपल लेट्स सी विद दिस डेक। लेट्स सी आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो पहला कार्ड आपके लिए लव का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड, ओके, यहां पर चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस का कार्ड है, लीड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फीलिंग अलोन का कार्ड है। सो, यहां पर आपका जो मोड ऑफ एक्शन है वो एक तो पहले सेल्फ लव होना चाहिए। खुद से प्यार करना इतने डिफिकल्ट टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपको आपकी इंट्यूशन गाइडेंस देगी, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ज्यादा इस चैलेंज को बहुत इजीली ओवरकम कर पाएंगे। और फ्राइडे के दिन पर आपको व्हाइट कलर की चीजों का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप आटे का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं। और फ्राइडे के दिन पर आपको इत्र लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फ्राइडे को व्हाइट शेड के कपड़े डालिए और जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस आती है फ्राइडे के रिगार्ड में वो आप जरूर देखिएगा। वो मेरे दूसरे चैनल पर आती है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, और उसे फॉलो जरूर कीजिए। जो भी उपाय मैं वहां पर बताऊंगी उन्हें जरूर आप फ्राइडे के लिए कीजिएगा। यहां पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कारण है। नो डाउट ये आपका चैलेंजिंग वक्त है, लेकिन आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, तभी आपकी जिंदगी में मिरेकल्स हो सकते हैं। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि इस जर्नी में जहां पर आप आ गए हैं आप अकेले हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। डिवाइन से क्वेश्चंस पूछने से अच्छा ये है आप उनके सामने अपने कंसर्न्स को सरेंडर कीजिए, ताकि आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ सकें, अपनी इंट्यूशन से जुड़ सकें, ठीक है। जितना ज्यादा आप अपने इंट्यूशन से जुड़ेंगे उतनी क्लियर आपको गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिलेगी। तो मेडिटेट जरूर कीजिएगा, ओके। यहां पर ट्रस्ट का कार्ड है विद एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। देखिए, आपको इस मूवमेंट पर जो मैं करने के लिए कह रही हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन करना जरूर है। एक तो डिवाइन के ऊपर फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है कि जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इसे कहना बहुत आसान है, इसे प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना बहुत जरूरी है। जो हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, थैंक यू कहना मत भूलिए। जब आप इस तरह की ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आ जाते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर अपने आप ही मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी आपका मोड ऑफ एक्शन है। यहां पर होप का कार्ड है विद डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस का कार्ड है। अपने लिए
अच्छे शब्दों का चुनाव कीजिए और होप रखिए कि आपकी जिंदगी में भी कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, अपने डिवाइन वर्थ को समझिए। आप ये समझिए कि इस वक्त में डिवाइन आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग बंद कर दीजिए, डिसीजंस लेने का टाइम है। और थर्सडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है उसे आपको फॉलो करना है। ओके, वहां पर मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको सभी करने हैं। यहाँ पर लाइफ फोर्स का कार्ड है एंड लीड का कार्ड है। आप डिवाइन से ये क्वेश्चंस मत कीजिए या इस तरह की प्रेयर्स मत कीजिएगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने इस जिंदगी को चेरिश करने की खुद ब खुद भी कोशिश कीजिए। अपने अंदर एक पैशन लेकर आइए कि अगर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी है और मैं इसका सॉल्यूशन निकाल कर रहूंगा या रहूंगी। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए, ये आपका मोड ऑफ एक्शन है। ओके, अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है विद फीलिंग अलोन का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं और आपको मोड ऑफ एक्शन में भी ये बता रहे हैं कि वो आपके साथ है। और ये मैं आपको मोड ऑफ एक्शन में बता रही हूं कि आप बहुत ज्यादा अकेला महसूस करेंगे। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी मेडिटेशन करें तो आपको एहसास होगा, आपको साइंस मिलेंगे कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। सिर्फ रास्ता टफ मिला है, लेकिन ये रास्ता आप कवर डिवाइन की हेल्प से ही कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको आपका मूड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। सो अब देखते हैं डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपको इस महीने के लिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर फेब्रुवरी 2022। लेट्स सी दैट। सो लेट्स सी डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एरियस पीपल, आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। लेट्स सी एरियस पीपल क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे। पहला कार्ड आंसरिंग द कॉल। ओके, ग्राउंडिंग वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। यहां पर वॉइस ऑफ द हार्ट का कार्ड है, रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्लेंजिंग वाटर का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये वक्त आपको ये मैसेज दे रहे हैं वो, कि ये जो वक्त है ये आपकी क्लेंजिंग का वक्त है। आपकी जो वाइब्रेंट लाइफ फोर्स है वो प्योरिफिकेशन गो थ्रू करने वाली है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, द अदर थिंग इज डिवाइन का मैसेज है आपके लिए कि जो भी आपके पास्ट में हुआ है उसे क्लियर कर दीजिए और अपने प्रेजेंट को हील कीजिए। ठीक है, पास्ट पास्ट था, वो आपका फ्यूचर नहीं बन सकता, इसलिए अपने प्रेजेंट को हील करके अपने फ्यूचर को आप ब्राइट जरूर बना सकते हैं। यहां पर वॉयज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्यार आपसे ही फ्लो होता है और आप तक ही फ्लो होता है। इसका मतलब ये है, अगर खुद से प्यार करेंगे, सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से भी उतनी ही प्यारी एनर्जीज आप तक डायरेक्ट होंगी। ओके, अपने आप को ये मत सोचिए कि हमारे साथ तो बुरा ही होना है। और वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है, आपको ऐसा लगने वाला है कि आप पता नहीं कहां पहुंच गए हैं, किस तरह का ये पाथ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। डिवाइन ने आपके लिए प्लान बनाया है, वो आपको रास्ता भी दिखाएंगे। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब डिवाइन की सपोर्ट आपके साथ है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहां पर ग्राउंडिंग का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो डिप आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी जड़ों से जुड़ नहीं पाए थे, तो अब आपको अपनी जड़ों से जुड़ना है, अपनी रूट्स को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ईगो में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना है। आपकी जो प्रेयर्स आप कर रहे हैं इसका जवाब डिवाइन देंगे। टाइम आने वाला है, लेकिन टाइम आया नहीं है, इसलिए अपनी जर्नी को कवर कीजिए और उस टाइम तक पहुंचिए। आपकी प्रेयर्स का आंसर डिवाइन डेफिनेटली देने वाले हैं। सो आई होप एरीज पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं वहां पर कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं, और वहां पर मैं डेली अपनी एंजेलिक गाइडेंस पोस्ट करती हूँ जो रोज रात 8 बजे वहां पर आती है। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन वहां के लिए भी मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।